विद्यालयों में पोस्ट खाली है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन हेलो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर। चयनित शिक्षकों का कहना है कि पद खाली पड़े हुए हैं, उस पर सरकार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, हम लोगों को चयनित शिक्षकों को रखा जाए, हम लोगों को नियुक्ति दी जाए, सरकार से ये मांग कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। वो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना करके उन पदों पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता दिखाने वाला हूँ, वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। से अपडेट पा लें, आज हम विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी अधिकारों की मांग करेंगे कि हम सब 80-85 नंबर पाने वाले हम वेटिंग में क्यों हैं? हमें तो कहीं विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, इतने विद्यालयों में पोस्ट खाली है और हम यहाँ पे सड़कों पर हैं। क्या हमने इसीलिए बीजेपी सरकार को चुना है कि वो हमें सड़कों पर ला दे? इतने विद्यालयों में पोस्ट खाली है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन हम सिलेक्शन पेपर पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हम सड़कों पर आ चुके हैं। कब से मांगिए आप लोग कर रहे हैं? इससे पहले भी एक दो दफा मैंने देखा विरोध कर चुके हैं आप लोग। ये हमारा आंदोलन साल भर से चल रहा है। आश्वासन कुछ मिला? अभी तक उनका कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई अभी ऐसे मतलब मंत्री नहीं होंगे जिनको हमने अपना ज्ञापन नहीं सौंपा, जिनसे हमने मांग नहीं की। कई बार आप लोगों ने परीक्षाएं भी दी है, कब से वेटिंग में आप लोगों को? देखिए 2023 की जब परीक्षा हुई वर्ग एक की शिक्षक चयनित, तो पहली बार तो सत्र में दो बार एग्ज़ाम लिया गया, और दो बार एग्ज़ाम लेने के बाद आप सोचिए कि हम बीएड करने के लिए भी एंट्रेंस निकालते हैं, बीएड भी करते हैं, उसका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, फिर हम एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, फिर हम चयनित टेस्ट देते हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं? और हम कितने एग्जाम दें, मतलब कितने एग्जाम देने के बाद भी अगर हम आंदोलन के लिए सड़कों पर हैं, तो मतलब लानत है हमारी सरकार पे कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब आप सरकार क्या कर रही है एमपी के रोजगारों को। और